ये चैप्टर आराम से कंप्लीट हो जाएगा और परसों तक भी अपन कंटिन्यू करना चाहेंगे तो कोई दिक्कत। प्रोबेबिलिटी होता है, प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, दो तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं। बेटा आपको सबको आवाज आ रही है ऑनलाइन वाले? यस सर। ठीक है, दो तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं। एक तो होता है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, जिनके रिजल्ट फिक्स। जैसे एग्जांपल आपके केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट, फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट, फिजिक्स की कॉपी कौन कौन लाया, मिला है जिसके पास वो दे दो। सुनील है, कर लिया। भाई जिस जो जो लिया है वो दे दो। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या होता है, दोज एक्सपेरिमेंट हूज रिजल्ट आर फिक्स्ड, एग्जाम्पल केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट। बेटा केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट सबके रिजल्ट फिक्स है, उनके रिजल्ट वेरी नहीं करते, उनके रिजल्ट फिक्स होते हैं। फिजिक्स एक्सपेरिमेंट इनके रिजल्ट भी फिक्स है। तो वो रिजल्ट, वो एक्सपेरिमेंट जिनके रिजल्ट फिक्स है उसको हम बोलते हैं कौन सा एक्सपेरिमेंट, डिटर्मिनिस्टिक। क्लियर है बेटा सभी को ऑनलाइन? डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट मतलब हूज रिजल्ट्स आर फिक्स। अब जो सेकंड वाला होता है वो कहलाता है प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट, सेकंड एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट, जो हमारे काम की चीज है। सेकेंड प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट, प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट, वो रिजल्ट्स आर नॉट फिक्स्ड, जिनके रिजल्ट फिक्स नहीं है, रिजल्ट्स आर नॉट फिक्स्ड। एग्जाम्पल टॉसिंग है कॉइन, मैंने कॉइन को टॉस किया। अब बेटा कॉइन को टॉस करने पे क्या क्या आ सकता है, हेड या टेल। कॉइन को टॉस करने पे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो उसको देखते बेटा सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब है जितने पॉसिबल केस है उनको लिखो, हेड कॉमा टेल, कर्ली ब्रैकेट, सैंपल स्पेस। इसका सैंपल स्पेस क्या हो गया, एच एच मतलब हेड कोमा टी मतलब टेल, हेड कोमा टेल, ये इसका सैंपल स्पेस हो गया। तो दिस इज प्रोबेबिलिटी का एक्सपेरिमेंट। क्यों है प्रोबेबिलिस्टिक, आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने एक कॉइन को टॉस किया। मैंने बोला कि भाई मैं नहीं बोल सकता कि क्या है, वो आने के बाद आपने बोला सर मैंने तो यही बोला था, तो आने का तो दोनों से एक ही। देखिए पहले आप 100% श्योर नहीं है कि वही है, तो टॉसिंग को एक कॉइन को टॉस करने पर क्या क्या आ सकता है या टेक। और इसको बोलते हैं, इन एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं रेंडम एक्सपेरिमेंट। रेंडम मतलब रेंडमली आपने उसको किया। कौन सा एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट। टॉसिंग है कॉइन, एक कॉइन को टॉस किया तो ये आपका हेड और टेल है। कितने केस आ रहे हैं बोले, दो केस आ। तो इसको बोलते हैं नंबर, जैसे टॉसिंग एग्जांपल टॉसिंग है कॉइन। तो मैंने बोला सैंपल स्पेस में आ गया हेड और टेल, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस।
कितने नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस है? नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस टू, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। एक और एग्जांपल है, थ्रोइंग ए डाइस। भाई डाइस को थ्रो करने पे क्या क्या आ सकता है बेटा? ऑनलाइन रूपल क्या क्या? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो कितने पॉसिबल केसेस हैं? सिक्स। नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस सिक्स। नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस सिक्स। टॉसिंग टू कॉइंस। बेटा ये सब जो भी मैं लिख रहा हूँ ये एग्जाम्पल है, ये इंपॉर्टेंट है और इसी पे क्वेश्चन आएंगे आपके। टॉसिंग टू कॉइंस, कोई भी दो कॉइन को टॉस कर रहा हूं, कोई बताएगा कितने केस आएंगे? चार। एक बार टॉस करने पे दो केस, दो बार टॉस करने पे चार केस, और तीन बार टॉस करने पे नहीं आठ केस। कैसे आएंगे मैं बता रहा हूँ। एक बार टॉस करना मतलब टू की पावर वन। वन किसके लिए? एक बार टॉस की। दो बार टॉस करना मतलब टू की पावर टू। तीन बार टॉस करना मतलब टू की पावर थ्री। और चार बार टॉस करना मतलब टू की पावर फोर। ऐसे आते रह जाएंगे कॉइन। क्लियर? तो टॉसिंग है कॉइन, नंबर ऑफ टू कॉइन्स, नंबर ऑफ पॉसिबल केस, पॉसिबल केसेस, सैंपल स्पेस, या तो हेड हेड या हेड टेल या टेल हेड या टेल टेल। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। तो यहां पर नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस हो गए तो टू की पावर टू। तीसरा केस, टॉसिंग थ्री कॉइंस, थ्री कॉइंस। आपने कॉइन को तीन बार टॉस किया, कितने केस बोले मैंने? आठ। तो क्या क्या होंगे देखो सर, या तो तीनों हेड, तीन हेड। अब देखना समझना, अब तीन हेड के बाद दो हेड, तो दो हेड एक कितने केस बनेंगे देखना। पहले दोनों हेड फिर टेल, बीच वाला टेल और पहला वाला टेल, ये किसके केस बने? दो एक टेल, फिर एक है दो टेल। और फिर तीन टेल। आगे बात समझे, इस तरह के कितने केस बनेंगे बेटा टोटली? बेटा आपने तीन बार फेंका, पहले हेड पहले वाले कॉइन पे क्या आ रहा है, दूसरे वाले कॉइन पे क्या आ रहा है? भाई या तो एक कॉइन को तीन बार टॉस करो, पहली बार क्या आ रहा है, दूसरी बार क्या आ रहा है, तीसरी बार क्या आ रहा है, तो ये अलग अलग केस हुए ना। ये तीन कॉइन को टॉस कर रहे हो तो पहले कॉइन पे क्या आ रहा है, दूसरे कॉइन पे क्या आ रहा है, तीसरे कॉइन पे क्या आ रहा है, तो अलग अलग केस है। बेटा ये थर्ड वाला केस समझ में आया? टॉसिंग थ्री कॉइन सभी को ऑनलाइन, भव्य, कंगना, मौलिक, रूपा। शैलेंद्र? यस सर, आ गया। नंबर पॉसिबल केस क्या लिखेंगे इसमें? टू की पावर थ्री एट। अच्छा वैसे बता दो, मैंने एक कॉइन को पांच बार टॉस किया, नंबर ऑफ पॉसिबल केस बोलो? टू की पावर फाइव मतलब 32।
क्योंकि बार फाइव मतलब एक कॉइन को पांच बार टॉस किया या पांच कॉइन को एक बार टॉस किया, बात बराबर, ठीक है, दोनों में कोई अंतर नहीं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट एग्जांपल, थ्रोइंग टू डाइस, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जो केस लिखाऊंगा ये इंपॉर्टेंट, दो डाइस को थ्रो कर, दो डाइस को थ्रो कर, थर्टी सिक्स केस, थर्टी सिक्स केस, नंबर ऑफ पॉसिबल केस, सिक्स की पावर टू, भाई एक बार केस थ्रो करने पर सिक्स की पावर वन, दो बार टॉस करेंगे तो सिक्स की पावर टू। अब ये कैसे आएगा बेटा, पूरे लिखना क्योंकि तो इससे बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। सपोज पहले वाले डाइस पर वन आ रहा है तो दूसरे में वन, पहली वाले डाइस पर वन टू, वन थ्री, वन फोर, वन फाइव, वन सिक्स, पहले डाइस पर वन तो दूसरी डाइस पर या तो वन आएगा या टू आएगा या थ्री आएगा अप टू सिक्स। फिर पहली डाइस पर यदि टू आ रहा है, टू टू, टू थ्री, टू फोर, टू फाइव, टू सिक्स, तीसरी डाइस पर पहली वाली डाइस पर थ्री आ, लिखते चलो, कितने केस आए ये टोटल 36 केस। अब इसमें हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है, क्या क्या पढ़नी है वो अभी समझा। देखो इसका यूज क्या है ये समझो, सबसे बड़ा यूज सम ऑफ द नंबर ऑफ टू डाइस, ये पूछा जाएगा आपके एग्जाम, क्या सम ऑफ नंबर्स ऑन टू डाइस, दोनों डाइस पर जो भी नंबर आ रहे हैं उनका सम, सम नंबर ऑफ टाइम्स, जैसे सम टू आ तो बेटा एक ही बार आएगा और वो क्या आएगा वन, वन करो, वन और वन को ऐड करो कितना आ टू आ। सम थ्री दो केस आएंगे, कौन कौन से आएंगे, एक तो वन टू और एक टू, मेरी बात समझ में आ रही है ऑनलाइन सभी को, बोलिए ऑनलाइन, यस सर। सम फोर तीन बार आएगा, कैसे स्टार्ट करेंगे वन से, किससे स्टार्ट करेंगे तो वन में क्या ऐड करेंगे, फोर आ जाए थ्री, फिर थ्री वन, वेरी गुड, ये आ गया, आ गया। सम फाइव कितनी बार, फोर टाइम, वन फोर
टू थ्री थ्री टू फोर वन। ये वाला चैप्टर इसको बहुत अच्छी तरह आएगा क्योंकि इसके काम की चीज है इसकी। ठीक है, सम सिक्स कितनी बार ऑनलाइन बोलो अबे कितनी बार आएगा सम सिक्स? पांच बार। क्या क्या आएगा बेटा बोल लो? फाइव टाइम, सॉरी हाँ फाइव टाइम। क्या क्या बेटा बाबे? यस सर। सम सिक्स क्या क्या आएगा? वन फाइव, आगे बोल। अरे बोल बेटा, टू फोर, थ्री थ्री, फोर टू और फाइव वन। अरे वन से स्टार्ट करते जाओ सम सिक्स जो भी आ रहा है, सिंपल सी बात। सम सेवन सिलेंडर सिक्स टाइम आएगा भाई। क्या क्या आएगा बेटा बोल? वन सिक्स, टू फाइव, थ्री फोर, फोर थ्री, फाइव टू, सिक्स वन। लिखो तब लिखो। मौलिक वगैरह कम एट बेटा, क्या कितने टाइम्स आएगा? अब ये कम होता जाएगा बेटा, मैक्सिमम सेवन टाइम आता, और फाइव टाइम आएगा। कैसे? वन पे नहीं आएगा, वन सेवन तो किससे स्टार्ट होगा? टू सिक्स, थ्री फाइव, फोर फोर, फाइव थ्री, सिक्स टू। ऐसा आएगा। सम नाइन कितनी बार आएगा बोलो? कम होता जा रहा है, फोर टाइम। लिखते चलो ये सारे। बोलो किससे? वन से स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि वन एट चाहिए, टू से भी स्टार्ट नहीं होगा। स्टार्ट किससे होगा? थ्री से। क्या आएगा? फोर फाइव, फाइव फोर, सिक्स थ्री। लिखते चलो बेटा, यहाँ तक डाउट आ रहा है तो बोल दे बेटा, किसी को भी ऑनलाइन, किसी को भी नहीं समझ में आ रहा तो बोल दो। थ्री टाइम्स इधर लिख देता हूँ ऊपर। सम टेन थ्री टाइम्स, फोर सिक्स, फाइव फाइव, सिक्स फोर। सम टेन थ्री टाइम्स, फोर सिक्स, फाइव फाइव, सिक्स फोर। सम इलेवन टू टाइम्स, फाइव सिक्स, सिक्स फाइव। और सम ट्वेल्व सिक्स सिक्स, सम ट्वेल्व वन टाइम सिक्स सिक्स। लिख लीजिए सर। ये कैसा बना है समझ में आया? सर साइड का ढंग से देख नहीं रहा बेटा। मैंने उसके वो जहाँ लाइट आ रही है मैंने वहां पर कहाँ करा, ये देख कौन सा नहीं दिख रहा बोल मेरे को। मैं बेटा एट और नाइन्थ वाला, एट में। अब मैं तेरे को एट का बताता हूँ, देख कैसे कैसे तू भी समझ की कैसे लिखते हैं। एट में यदि पहला नंबर वन होगा तो दूसरा नंबर एट आने के लिए क्या होना पड़ेगा बोलती जा? सेवन। तो सेवन तो हो ही नहीं सकता, डाइस में सेवन आता ही नहीं। तो पहला नंबर क्या आएगा? टू। टू फोर। टू फोर कहाँ से आ गया? एट लाना है ना बेटा। टू टू सिक्स, टू सिक्स लिख पहला। फिर टू के बाद क्या आएगा? फाइव। फिर क्या आएगा फोर के साथ? इधर देख एट वाला, देखो टू सिक्स, थ्री फाइव, फोर फोर, फाइव थ्री, सिक्स टू। ये आएंगे
आएंगे कि नहीं आएंगे सभी बोलो यस सर। अच्छा नाइन किससे स्टार्ट होगा, वन से स्टार्ट नहीं होगा, टू से स्टार्ट नहीं होगा, थ्री से स्टार्ट होगा, बोलो आप कोई बोलो भाई। थ्री सिक्स, थ्री सिक्स के बाद सम टेन में क्या आएगा, वो रहा सम इलेवन वो रहा। अब आगे समझ लें, यस यस एक काम करता हूँ, ये हटाई देता हूँ। अब देखो यहाँ पर आप प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं, अभी मैंने प्रोबेबिलिटी नहीं, अभी सिर्फ एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूँ। अभी हमने प्रोबेबिलिटी की बात की, प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करते हैं। प्रोबेबिलिटी होती क्या, प्रोबेबिलिटी होती है बेटा लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, दिस इज अ प्रॉब्लम। अभी आप बोलोगे सर ये फेवरेबल क्या और पॉसिबल तो पता है तुम्हें, फेवरेबल क्या है, जैसे एग्जांपल एग्जाम्पल फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर इन अ थ्रो ऑफ डाइस। एक डाइस को फेंकने पर प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी, अब समझना बेटा। प्राइम नंबर्स या तो डाइस को फेंकने पे या तो टू आएगा, थ्री आएगा, या प्राइम नंबर क्या क्या होता है भाई, वन से सिक्स में प्राइम नंबर क्या क्या होता है, टू होता है, थ्री होता है और फाइव होता है। तो प्राइम नंबर बेटा डाइस को फेंकने पे या तो टू आएगा, वन प्राइम नंबर नहीं है, टू प्राइम नंबर है, एक ही प्राइम नंबर है, एक ही इवन प्राइम नंबर होता है बस, और वो होता है टू, और कोई इवन प्राइम नंबर नहीं होता इसके अलावा। तो टू थ्री और फाइव, तो ये फेवरेबल केस है क्योंकि मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पहले तो आप बोलोगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस, पॉसिबल केसेस कितने बेटा डाइस को फेंकने पर, सिक्स, टू थ्री फोर फाइव सिक्स। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने फेवरेबल है, थ्री। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस थ्री, सो देयरफॉर पी ऐसे लिखोगे प्राइम नंबर इक्वल टू थ्री बाई सिक्स वन बाई टू। तो पी प्राइम नंबर आ गया बता, थ्री बाई सिक्स वन बाई टू। आया समझ में, सभी को समझ में आया कैसे लिखा ऑनलाइन, बोलो बेटा। यस सर। शैलेंद्र क्लियर बेटा? यस सर। तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी हो गई थ्री बाय सिक्स वन बाय टू।
लिखने का यही तरीका होना चाहिए आपको पूरा, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड इन अ टॉस ऑफ टू कॉइन, इन अ टॉस ऑफ टू कॉइन, एक मिनट रुको रुको कोई बात लिखो, बेटा आपने एक कॉइन को कितनी बार, दो कॉइन एक इन टॉस ऑफ टू कॉइन, दो कॉइन को टॉस किया, तो चाहो तो पहले आप सैंपल स्ट्रेस लीजिए, ऐसे क्या था हेड 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 टेल टेल हेड टेल, ये हमारा सैंपल स्ट्रेस हो गया, इसमें कोई डाउट किसी को? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बोलिए वो अब क्या लाना है, टू हेड बोलो, दो हेड कितनी बार आ रहा है, एक बार, एक ही बार आ रहा, दो, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस, ओह सॉरी 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 सॉरी, ये मैंने इसकी वजह से लिखा मोलिक की वजह से, टोटल नंबर ऑफ, देख ले कचोरी की बात करी, एक बार भी बरसात हुई सही बात, ये एक केस हो गया, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस वन, सो पी टू एड वन बाई फोर, ऐसे लिखो, सभी को क्लियर है सर? फेवरेबल केस कैसे लिखना बेटा, फेवरेबल क्या पूछा है, किसका किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है बेटा, टू हेड, तो टू हेड कितनी बार आ रहा बेटा, वन टाइम, तो इसलिए वो फेवरेबल केसेस होगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है वो फेवरेबल केसेस, आया समझ में? यस सर। वन हेड पूछेगा या वन टेल पूछेगा, वन हेड वन टेल तो दो केस, यदि वो वन हेड बोलेगा तो भी दो केस, भाई उसमें आना चाहिए, तो एक हेड इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है तो दो केस, वो तो बोल रही वन हेड वन टेल तो भी दो केस, ठीक है एक ही बात है, मतलब आपने बोला वन हेड तो अंडरस्टूड है कि एक टेल है, आप बोल रहे एक टेल तो एक ही बात, ठीक है। अब मैं यहाँ पर चीज और पूछ रहा हूँ इसी वाली प्रॉब्लम, देखो आपका अगला प्रॉब्लम लो, फाइंड द गेटिंग एटमोस्ट वन एंड इन अ टॉस ऑफ टू कॉइंस, ज्यादा तो पहले तो सैंपल स्पेस तो लिख ही लो, आप हेड 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 टेल टेल हेड टेल, बोलो हाँ बोलो, तू ही कर देना तेरे पास है तो, ठीक है
हाँ मैंने क्या बोला हेड हेड ये चार केस आ गए तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केस तो सेम फोर। अब मैं तुमसे सबसे पूछूंगा भाई कितने केस आ गए बेटा पैरोल केस कितना है ऑनलाइन जवाब दो तुम भी बोलो थ्री एटपोस वन एट कौन कौन सा आएगा बेटा थ्री में वेरी गुड बिल्कुल सही बोल रही ये तीन केस आए एटमोस का मतलब कम से कम जीरो भी आ जाए वो भी चले तो एटमोस मतलब ज्यादा से ज्यादा एक एट आना चाहिए तो या तो एक एट या एक भी नहीं आए तो कितने केस आ रहे हैं तीन केस। आगे बात समझ भाई ज्यादा ज्यादा सबको समझ में आ गया ऑनलाइन एटमोस का मतलब तीन केस क्या हुआ तेरे को टोटल नंबर हो भाई हमारा मौलिक की तरह मस्त बोला कोई बात नहीं दोबारा ज्वाइन कर लेना अभी यहाँ पर तो दिक्कत थोड़ी है सेव करने का वो तो दोबारा हो जाएगी तो नंबर ऑफ फेवरेबल केस